नमस्ते और आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाटर प्रोपोगेशन के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो किया था जिसके अंदर हमने बात की थी सॉइल प्रोपोगेशन के बारे में, जिसका मतलब है कि आप पानी में और मिट्टी में पौधों को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 से 6 पौधे जो आप इजीली पानी में ग्रो कर सकते हैं फ्रॉम अ कटिंग, और जो बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं उनकी आपको केयर कैसे करनी है, कब पानी चेंज करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मनी प्लांट के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन है और जिसको बहुत ही इजीली पानी में उगाया जा सकता है। आपके पास अगर कोई मनी प्लांट का पौधा है तो आप सिंपल बस सिर्फ उसकी एक कटिंग ले लीजिए। तो जो प्लांट का नीचे वाला हिस्सा है उसको हमें पानी में डालना है, और ये जो लीव्स जो स्टेम्स नीचे वाले हिस्से में आ रहे हैं उनको हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा पानी के अंदर जाएगा। और अगर ये लीव्स और स्टेम हमने इसी में छोड़ दिए तो फिर धीरे धीरे ये पानी में सड़ने लगते हैं। आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी रॉट हो जाएंगे और इसमें कालापन आ जाएगा। आप चाहे तो इनको कैंची से काट सकते हैं या फिर अपने हाथों से ही सिंपल रिमूव कर सकते हैं। मैं पानी में इसके कम से कम 3 से 4 नोड एरियाज डालने हैं। नोड एरिया का क्या होता है, जहाँ से आपको स्टेम में नई पत्तियां आती हुई दिखाई दे, नए स्टेम्स आते हुए दिखाई दे, वो उस स्टेम का नोड एरिया होता है। तो जैसे अगर आप इस वाले में देखेंगे तो ये जो यहाँ पे ऑलरेडी काली काली रूट्स निकल रही है, सो इसको आपको बस सिर्फ सिंपल पानी में डालना है। अगर आपका ये स्टेम ज़्यादा पानी में जा रहा है तो आप इसके ऊपर के और लीव्स रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको प्रोपोगेट करने के लिए ऐसी कोई बिस्लेरी की बॉटल ले रही हूँ। आप कोई भी कांच का गिलास, कुछ भी आपके पास में जो भी घर पे अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इस बिस्लेरी की बॉटल के अंदर आपको बस ये सिंपल कटिंग डालनी है और इसको पानी से भरना है। अब यहाँ पे जो एक और बात का ध्यान रखना है कि आपको जो आपका स्टेम है वो पूरा पानी से नहीं भरना है, आप उसको उतना ही भरेंगे कि जितना आपके जो तीनों नोड एरियाज है, जो 3 से 4 नोड एरियाज है वो पूरे तरीके से पानी में है। आपको बॉटल का थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा खाली छोड़ना है जिससे कि स्टेम सफोकेट नहीं हो। अगर आप ये इस पूरी बॉटल को पानी से भर देंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये स्टेम जल्दी सड़ जाएगा और आपका स्टेम इसके अंदर ग्रो नहीं करेगा। अब जैसे ये जो लीव्स हैं जो कि ऑलरेडी जिनमें कालापन आ गया है, आप उन लीव्स को भी रिमूव कर सकते हैं ताकि इसमें से और अच्छी हेल्दी लीव्स आएँ। अब जो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का कि कब कब आपको इसका पानी चेंज करना है, तो आप इसका पानी हफ्ते में एक बार चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसका पानी चेंज करना भूल जाएं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको बस सिर्फ ध्यान रखना है कि आपका पानी हमेशा बॉटल में रहे, मतलब कि आपका वो पानी कभी भी सूखना नहीं चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये मैं एक जार में मनी प्लांट ग्रो कर रही थी। ये मनी प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था, बट काफ़ी दिनों से मैंने ये चेक नहीं किया था और इसकी रूट्स सूख गई। तो रूट सूखने के बाद में ये फिर रूट्स काली पड़ जाती है अगर आप एक बार फिर वापस से पानी डालते हैं तो। और आपको ध्यान रखना है कि जो भी ऐसी काली रूट्स रहेगी आपकी मनी प्लांट के अंदर, आपको उनको रिमूव करनी है। ये रूट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और ये आपके प्लांट को ग्रो करने नहीं देती, तो आपको ये रूट्स पूरे तरीके से हटानी है। और जो सिर्फ वाइट रूट्स रहेगी वही हेल्दी रूट्स रहती है। अगर आप अपने इन बॉटल्स का पानी बहुत टाइम तक चेंज भी नहीं करते तो भी ये रूट्स में ऐसे काली फंगस लगने लग जाती है और आपकी स्टेम अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। एक बार ये रूट्स और पानी साफ करने के बाद में आपको इन बॉटल्स को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे इनके ऊपर हार्श सनलाइट नहीं आती हो, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो। अगर आप इन सारी कटिंग्स को किसी ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आ रही है तो आपकी ये स्टेम्स ऐसे जलने लग जाएंगे, और जो भी ऐसी लीव्स हैं उनको रिमूव कर देंगे ताकि इसमें से नई लीव्स बहुत इजीली आ पाए। अगर आपकी लीव्स ऐसे मुरझा रही है और बिल्कुल भी हेल्दी नहीं लग रही, मतलब आपके रूट्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उनका पानी चेंज करके देख सकते हैं और उनको किसी छाया वाली जगह में रख के देख सकते हैं। तो जैसे इस वाले स्टेम की लीव्स मुरझा रही है, मैं इसको किसी छाया वाली जगह में रख के देखूंगी। अगर ये वापस से
ये सही नहीं होता तो फिर मैं ये इनकी लीव्स रिमूव कर दूंगी और थोड़े ही दिनों में मुझे इसमें से नई लीव्स आने लगेगी। प्लांट के बाद में अब हम प्रोपोगेट करेंगे ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन जो कुछ इस तरीके से दिखती है। सो इसके अंदर वापस से आपको जो नोड एरियाज होते हैं जहाँ से आपको नई लीव्स वगैरह आती हुई दिख रही है तो वो आपको रिमूव करनी है। अगेन 2 से 3 ऐसे पॉइंट आपको पानी के अंदर डालने हैं। सो इसके अंदर पॉइंट्स काफ़ी दूर दूर हैं तो ये जो पहली जो 2 लीव्स हैं मैं इनको रिमूव कर दूंगी और अब मैं ये पॉइंट्स को वापस से सेम लॉजिक के हिसाब से इनको बॉटल में डाल दूंगी। वापस से आपको ये बॉटल को पूरी तरीके से पानी से नहीं भरना है। जैसे हमने मनी प्लांट में किया था उस तरीके से ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ा है। अब हम बात करेंगे स्नेक प्लांट की। तो ये स्नेक प्लांट की कुछ कटिंग जो मैंने पौधे के एकदम नीचे से काट ली है, आप इसको डायरेक्टली ऐसे के ऐसे मिट्टी में भी डाल सकते हैं वरना आप इसके और कटिंग्स करके इसको पानी में डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी ये स्नेक प्लांट की कटिंग्स ग्रो कर रही हूँ और जिसमें से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसमें से ऑलरेडी मुझे प्लांट बेबीज आ रही हैं। तो ये कुछ प्लांट की कटिंग्स थी जो ऑलरेडी 3 से 4 महीने से पानी में है। ऐसे ही सेम वे में हम इन कटिंग्स को ग्रो करेंगे। सो मैं यहाँ पे इस कटिंग के 2 हिस्से बना रही हूँ। मेक श्योर कि आप जिस भी कैंची से काट रहे हैं वो कैंची आपकी साफ होनी चाहिए और मैं यहाँ पे इसको सिंपल 2 कटिंग्स में, जो नीचे वाला हिस्सा रहेगा वो हमेशा पानी के अंदर रहेगा। तो जब भी आप कटिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि कौन सा नीचे वाला हिस्सा है और ऐसे ही इस स्टेम के मैं 2 कटिंग्स कर रही हूँ और ये सारी कटिंग्स अब पानी के अंदर जाएगी। यहाँ पे मैं एक सिंपल ये ग्लास यूज कर रही हूँ। सो आपको अब इसके अंदर सिर्फ 1 इंच या फिर हार्डली 1/2 इंच पानी डालना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना सा पानी डाला है ताकि जो स्टेम का बेस है सिर्फ वो पानी को टच कर रहा हो। अगर आप वापस से इसके अंदर 1/2 या फिर इससे ज्यादा पानी डालेंगे तो वापस से ये जो सारी कटिंग्स है वो सड़ने लग जाएगी और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम प्रोपोगेट करने वाले हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया। सेम इसी तरीके से होगा। यहाँ पे मैंने ऊपर से ये इसकी कटिंग ले ली है। मैं इसमें से कुछ लीव्स नीचे से रिमूव करूंगी और सिंपल मैं इसको वापस से पानी के अंदर डाल दूंगी कि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो पानी में रहे। अब हम प्रोपोगेट करेंगे जेड प्लांट जिसको हमने लास्ट वीडियो में मिट्टी में प्रोपोगेट किया था। सो वापस से मैंने ये स्टेम की कुछ कटिंग ले ली है। अब जो स्टेम का नीचे वाला हिस्सा है वो पानी में रहेगा। वापस से जो लीव्स नीचे की तरफ है उनको हम हटा देंगे। जैसे हमने बाकी सारे प्लांट्स प्रोपोगेट किए इसको भी हम सिंपल एक कंटेनर में डालेंगे और इसके अंदर ऑलमोस्ट 1 से 2 इंच पानी ताकि जो नीचे वाला हिस्सा है वो पानी में रहे। अब हम प्रोपोगेट करेंगे इसी तरीके से वॉन्डरिंग ज्यू। इसकी भी आपको नीचे की लीव्स हटानी है और इसको आप सिंपली एक बॉटल में डालेंगे। मैं इसका स्टिकर रिमूव कर दूंगी, अभी हो नहीं रहा है। और ये सिंपल जो आपका वॉन्डरिंग जू की कटिंग है ये भी इसके अंदर जाएगी। अब हम प्रोपोगेट करेंगे ये वाला प्लांट जिसका मुझे नाम नहीं पता बट जिसकी कटिंग्स मुझे मेरी पास वाली आंटी ने दी थी। तो इसमें बहुत इजीली ग्रो जाता है, आप इसको सिंपल ऐसे मिट्टी में भी डाल सकते हैं। और बेसिकली ये वाला प्लांट है जिसके अंदर ऐसे इसके पप्स निकलने लग जाता है स्पाइडर प्लांट जैसे। तो आपको बस जो भी पप निकल रहा है उसको काटना है एकदम नीचे से और ये उन्होंने मुझे दिया था जिसको मैंने ऐसे कंटेनर में रख रखा है। और आपको इसमें से आपके सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर ही रूट्स निकलने लग जाएगी। तो आप इसको मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, पानी में ग्रो कर सकते हैं। और वापस से इसका जो सिर्फ नीचे वाला हिस्सा है वो पानी में रहेगा। इसके अंदर कालापन बहुत जल्दी आ जाता है तो आप ध्यान रखिए कि आप इसका पानी चेंज करते रहे। तो आप इसको ऐसे सिंपल अपने डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं, काफी अच्छा सेंटर पीस भी रहेगा। लास्टली हम प्रोपोगेट करेंगे स्पाइडर प्लांट की कटिंग्स जो मैंने ये ऑलरेडी काट ली है। आपको स्पाइडर प्लांट की कटिंग्स को सेम जैसे अपन ने स्नेक प्लांट की कटिंग्स को ग्रो किया था वैसे ही ग्रो करना है। आप इन कटिंग्स में रूट्स ऑलरेडी देख पाएंगे नीचे बहुत ही थोड़ी सी, तो सिर्फ जो नीचे वाला हिस्सा है सिर्फ वो वाला हिस्सा पानी में रहेगा।
अदरवाइज वापस से इसकी लीव्स बहुत जल्दी गलने लग जाती है। तो मैं इन सारी कटिंग्स को इस ग्लास के अंदर ग्रो करूंगी और आपको इस आपको इन कटिंग्स को बस सिर्फ ग्लास में डालना है और अगेन हाफ इंच पानी रहेगा। तो ये सारी प्लांट कटिंग्स हैं जो बहुत इजीली पानी में ग्रो हो जाती है। इनका मैं अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जो भी नेक्स्ट प्रोपोगेशन वीडियो होगा उसके अंदर हम मैं आपको इन सारी कटिंग्स का अपडेट दूंगी। जो कटिंग्स हमने लास्ट टाइम सॉइल में ग्रो करी थी उसका अपडेट ये। सो हमने जो टर्टल वाइन प्रोपोगेट किया था वो ऑलमोस्ट ठीक चल रहे हैं इन सारे प्लांटर्स में। कोई नई ग्रोथ नहीं है बट ये अभी तक मरे भी नहीं है। मैंने इन कटिंग्स को कल से पानी नहीं दिया तो ये अभी सूख रहे हैं। उसके अलावा जो हमने जेड प्लांट प्रोपोगेट किया था, जैसे कि जो ये वाला जेड प्लांट है वो ठीक चल रहा है। ये वाला हल्का सा सूख रहा है बट ये अभी तक मरा नहीं है, तो होपफुली इसमें भी नई ग्रोथ दिखेगी। ये वाला काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है, इसमें से हमें नया एक और आप इसमें ग्रोथ देख सकते हैं, नई ग्रोथ। ये वाला हमने नया लगाया था तो ये जेड प्लांट काफ़ी सही चल रहे हैं। जो हमने कुछ छोटी लीव्स लगाई थी वो सारी ऑलमोस्ट मरने वाली है, वो काफ़ी बहुत ही सॉगी ड्राई हो चुकी है। ये वाली कटिंग भी ठीक ग्रो कर रही है, अभी तो कोई नई ग्रोथ नहीं है बट ये मरी भी नहीं है। हमने जो क्रोटॉन ग्रो किया था उसमें कोई नई ग्रोथ नहीं है, इसका ऊपर वाला हिस्सा ड्राई हो रहा था तो उसको मैंने हटा दिया है। और ये जो पर्पल हार्ट वाइन है इसकी कटिंग अभी तक ठीक है, कोई नई ग्रोथ नहीं है बट स्टिल द कटिंग इज डूइंग कम्प्लीटली फाइन। सो आई एम होपिंग टू गेट न्यू रिजल्ट्स फ्रॉम दिस टू। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरी ऑलमोस्ट सारी कटिंग्स काफी अच्छे से ग्रो हो रही है। अगर आपने मेरे साथ में कोई भी कटिंग्स ग्रो करी थी तो आप उसकी पिक्चर मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल बटन है, उसको आप प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरा जब भी कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको और कौन से वीडियोस देखने हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली सैटरडे को। टिल देन बाय बाय।